नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त एक बार फिर से हाजिर हूँ। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम कंपेयर करने वाले हैं इंडिया की बेस्ट पांच कंपनियों को डिफरेंट पैरामीटर पे। तो दोस्तों ये कंपेरिजन होने वाला है हमारा एशियन पेंट, बर्जन पेंट, कैंसाई नेरोलैक, इंडिगो पेंट और एक्जोनोबल। एक्जोनोबल को आप ड्यूलेक्स पेंट के नाम से भी आप जानते होंगे। तो दोस्तों इन सभी कंपनियों को हम आज डिफरेंट पैरामीटर पर कंपेयर करने वाले हैं और देखने वाले कि क्या कोई सी कंपनी आपके पोर्टफोलियो के लायक है कि नहीं। तो आइए फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एशियन पेंट की मार्केट कैप है 2,72,076 करोड़ रुपए, वहीं पे बर्जर पेंट की मार्केट कैप है 54,966 करोड़, कैंसाई नेरोलैक की मार्केट कैप है 22,336 करोड़, एक्जोनोबल की मार्केट कैप है 9,930 करोड़ और इस लिस्ट की सबसे छोटी कंपनी इंडिगो जिसकी मार्केट कैप है 5,155 करोड़ रुपए। इसके बाद इनके पिछले 12 महीने की सेल्स की बात करें तो एशियन पेंट की सेल्स रही है कुछ 33,594 करोड़, बर्जर पेंट की रही 10,312, नेरोलैक की रही 7,346, एक्जोनेबल की सेल्स रही 3,718 और वो इंडिगो की रही है 1,036 करोड़ रुपए की। दोस्तों इसके बाद अब हम देखते हैं प्राइस टू अर्निंग रेशियो, यानी कि इन सभी कंपनियों में अगर आपको 1 रुपये कमाना है तो आप एडवांस में इन कंपनियों को कितने पैसे दोगे। तो एशियन पेंट का पी रेशियो इसमें 71.2 का है, बर्जर पेंट का है 61.5, नेरोलैक का है 57.1, एक्जोनोबल का है 31.7 और वो इंडिगो का है 43.8। तो हम यहाँ पे नंबर देंगे एशियन पेंट को 1, बर्जर पेंट को 2, नेरोलैक को 3, एक्जोनोबल को 5 और वो इंडिगो को मिलते हैं 4 नंबर। इसके बाद हम लिखते हैं ईवी बाय इबिट्टा। तो एशियन पेंट का है 43.5, बर्जर पेंट का है 36.7, नेरोलैक का है 30.1, एक्जोनोबल का 18.6 और वह इंडिगो का है 29.6। नंबर देंगे यहाँ पे एशियन पेंट को 1, बर्जर को 2, नेरोलैक को 3, नोबल को 5 और वह इंडिगो को मिलते हैं 4 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों का शेयर का भाव अपनी बुक वैल्यू के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे इस समय चल रहा है। तो एशियन पेंट का है 19.1 का, बर्जर पेंट का है 13.4, नेरोलैक का 5.1 टाइम्स, एक्जोनोबल का है 8 और वह इंडिगो पेंट का है 7.36। इसके बाद हम नंबर देते हैं एशियन पेंट को 1, बर्जर को 2, नेरोलैक को 5, नोबल को 3 और वह इंडिगो को मिलते हैं 4 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों का शेयर का भाव अपनी सेल्स के मुकाबले कितना ऊपर या नीचे इस समय चल रहा है। तो एशियन पेंट का है 8.1 टाइम्स, बर्जर पेंट का है 5.33, कैंसाई नेरोलैक का है 3.04, एक्जोनोबल का है 2.67, इंडिगो का है 4.97। नंबर देंगे एशियन पेंट को 1, बर्जर को 2, नेरोलैक को 4, एक्जोनोबल को 5 और वो इंडिगो को मिलते हैं 3 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों के पास अगर खुद का 1 रुपया है तो उस 1 रुपये के सामने इन कंपनियों पे कितने पैसे का कर्ज है। एशियन पेंट का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.06, बर्जर पेंट का 0.17, नेरोलैक का 0.05, एक्जोनोबल एक डेट फ्री कंपनी है और वो इंडिगो का है 0.01। तो देखिए ये रेशो इन सभी कंपनियों के अंदर काफ़ी अच्छा है, तो इसलिए हमने सभी कंपनियों को 5-5 नंबर दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए इन कंपनियों को 1 साल के अंदर अपना कोई लोन चुकाना है तो क्या ये कंपनियां दे सकती हैं। अब ये रेशो देखिए हर हाल में 1 से ऊपर और 3 से नीचे ही होना चाहिए। तो एशियन पेंट का करंट रेशियो 2, बर्जर पेंट का 1.28, कैंसाई नेरोलैक का 2.4, एक्जोनोबल का 1.4 और इंडिगो का 2.16। तो नंबर देंगे हमें यहाँ पे एशियन पेंट को 3, बर्जर को 1, नेरोलैक को मिलते हैं पूरे 5, एक्जोनोबल को मिलते हैं 2 और इंडिगो पेंट को मिलते हैं 4 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं क्यूक्यू रेशियो, यानी कि मान लीजिए इन कंपनियों को अगर अपना 1 से 2 महीने के अंदर लोन चुकाना है तो कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे सकती है। अब देखिए ये रेशो हर हाल में 1 से ऊपर ही होना चाहिए और 1 से जितना बड़ा होगा उतने अच्छा माना जाएगा। तो एशियन पेंट के अंदर है 1.04, बर्जर पेंट के अंदर है 0.58, नेरोलैक के अंदर 1.24, एक्जोनोबल के अंदर 0.85 और वह इंडिगो के अंदर 1.58। तो नंबर देंगे हम यहाँ पे एशियन पेंट को 3, बर्जर पेंट को हमने यहाँ पे कोई भी नंबर नहीं दिया है, नेरोलैक को मिलते हैं 4, नोबल को भी हमने कोई नंबर नहीं दिया है और वो इंडिगो को हमने दिए हैं पूरे 5 नंबर। इसके बाद हम देखते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मान लीजिए कल को ये कंपनी कोई लोन लेती है तो उस लोन का जो ब्याज होगा कौन सी कंपनी अच्छे ढंग से दे सकती है। अभी देखिए अब ये नंबर जितना बड़ा होगा उतना ही अच्छा माना जाएगा। एशियन पेंट का इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 54.33, बर्जर पेंट के अंदर 27.5, नेरोलैक के अंदर 23.6, नोवल के अंदर 31.3 और वो इंडिगो के अंदर 110.4। तो यहाँ पे सबसे बेहतरीन है इंडिगो पेंट्स का। तो हम यहाँ पे नंबर देने वाले एशियन पेंट को 4, बर्जर को 2,
नेरोलैक का एक नोबल को तीन और पूरे पांच मिलते हैं इंडिगो पेंट को। इसके बाद हम देखते हैं रिटर्न ऑन इक्विटी, यानी कि इन कंपनियों के अंदर जिन शेयर होल्डर ने पैसा लगाया था अब ये कंपनियां बदले में उन्हें कितना पैसा वापस दे रही हैं। तो एशियन पेंट का आरओई है 23.2%, बर्जर पेंट का 22.5%, नेरोलैक के अंदर 8.12%, एक्जो नोबल के अंदर 22.7% और वो इंडिगो पेंट के अंदर 13.9%। तो हम यहाँ पे पॉइंट देंगे एशियन पेंट को 5 पॉइंट, बर्जर को मिलते 4, नेरोलैक को मिलते 2, नोबल को 4 और इंडिगो को मिलते 3 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि अब जब इन कंपनियों ने कहीं कोई फैक्ट्री लगाई है, अपना कोई प्लांट लगाया है, वहां से ये कंपनियां कितना रिटर्न जनरेट कर सकती हैं। एक तरह से हमें ये पता लगता है कि कंपनी का मैनेजमेंट कितना अच्छे ढंग से काम कर सकता है। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड एशियन पेंट के अंदर है 29.7, बर्जर पेंट के अंदर 25.9, नेरोलैक के अंदर 11.5, एक्जो नोबल के अंदर 28.4 और वह इंडिगो के अंदर है 18.7 का। तो पॉइंट देंगे एशियन पेंट को 5, बर्जर को 3, नेरोलैक को 1, नोबल को 4 और वह इंडिगो को मिलते हैं 2 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन। तो एशियन पेंट का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 17.4%, बर्जर का 14.2%, नेरोलैक के अंदर 10%, एक्जो नोबल का 13.2% और वह इंडिगो का है 15.8%। तो सबसे अच्छा है यहाँ पे एशियन पेंट को, उसको मिलते हैं पूरे 5, बर्जर को 3, नेरोलैक को 1 पॉइंट, एक्जो नोबल को 2 पॉइंट और इंडिगो को मिले हैं पूरे 4 पॉइंट। इसके बाद हम देखते हैं कि आपको किस कंपनी में अधिक डिविडेंड मिलेगा। तो डिविडेंड यील्ड है एशियन पेंट की 0.68, बर्जर पेंट के अंदर 0.54, नेरोलैक के अंदर 0.54, एक्जो नोबल के अंदर 3.4% और इंडिगो के अंदर 0.28। तो यहाँ पे आपको सबसे अच्छा डिविडेंड मिलेगा एक्जो नोबल के अंदर। तो देखिए हमने सभी कंपनियों को 4-4 नंबर दिए हैं, केवल हमने एक्जो नोबल को पूरे 5 नंबर दिए हैं। इसके बाद हम देखते हैं प्लेजिंग। कहीं मान लीजिए इन कंपनियों के प्रमोटर ने अपने शेयर को गिरवी रख के मार्केट से कोई पैसा तो नहीं उठाया, तो यहाँ पर देखिए अनफॉर्चुनेटली केवल एशियन पेंट के अंदर प्लेजिंग है लगभग 7.62%, बाकी किसी के अंदर भी कोई प्लेजिंग नहीं है। तो हमने यहाँ पे सभी कंपनियों को 5-5 नंबर दिए हैं, केवल हमने एशियन पेंट को कोई भी नंबर नहीं दिया है। इसके बाद हम देखते हैं कि इन कंपनियों के अंदर प्रमोटर का हिस्सा कितना है, कितना FIDI का स्टेक्स है और कितने म्यूचुअल फंड कंपनियों ने इन सभी कंपनियों को अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया हुआ है। तो एशियन पेंट के अंदर प्रमोटर का हिस्सा है 52.63%, बर्जर पेंट के अंदर 75%, नेरोलैक के अंदर 74.99% और वही एक्जो नोबल के अंदर 74.76% और वही इंडिगो के अंदर 54%। FIDI का स्टेक एशियन पेंट के अंदर 27.31%, बर्जर पेंट के अंदर 14%, नेरोलैक के अंदर 16.66%, एक्जो नोबल के अंदर 11.92% और वो इंडिगो के अंदर 13.53%। इसके बाद एशियन पेंट को अभी तक कुछ 35 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल किया है। बर्जर पेंट को 22 ने, नेरोलैक को 19, नोबल को 11 और वो इंडिगो को अभी तक 8 म्यूचुअल फंड कंपनियों ने अपने पोर्टफोलियो में जगह दी है। इसके बाद हम देखते हैं कि अगर मान लीजिए आपने डिफरेंट डिफरेंट टाइम में इन सभी कंपनियों में 1 लाख रुपये लगाया, उसकी प्रेजेंट वैल्यू कितनी होती। तो दोस्तों एशियन पेंट के अंदर अगर आप 5 साल पहले भी निवेश करते 1 लाख रुपये तो उसकी वैल्यू होती है 2.57 लाख रुपीज़। वहीं बर्जर पेंट के अंदर आपके बनते हैं कुछ 2,31,000 रुपये। कैंसाई नेरोलैक के अंदर आज आपको 15,000 रुपये के आसपास का आपको लॉस हो रहा होता है, यानी कि प्रेजेंट वैल्यू आपकी केवल 85,000 रुपये रह जाती। वहीं एक्जो नोबल के अंदर आपके बनते हैं कुछ 1,24,000 रुपये। और दोस्तों इंडिगो पेंट जो कि 2 साल पुरानी कंपनी है एक्सचेंज के अंदर, तो वहाँ पर भी आपको लगभग 60,000 का नुकसान हो रहा होता, वहाँ पे आपकी प्रेजेंट वैल्यू केवल 40,000 रुपये रह जाती। तो दोस्तों अब हमारा समय आ चुका है फाइनल स्कोर का। तो दोस्तों 5th रैंक पे टोटल पॉइंट मिले हैं 35 पॉइंट, नाम है बर्जर पेंट। दोस्तों इसके बाद 4th रैंक वाले को मिले हैं 38 पॉइंट, नाम है एशियन पेंट। दोस्तों 3rd रैंक वाले को मिले हैं 43 पॉइंट, नाम है कैंसाई नेरोलैक। 2nd रैंक वाले को मिले 48 पॉइंट, नाम है एक्जो नोबल। 1st रैंक वाले को मिले 52 पॉइंट, नाम है इंडिगो पेंट्स। तो दोस्तों सबसे टॉप पे रहा इंडिगो पेंट, लेकिन दोस्तों यहाँ पे मैं आपके साथ एक बात शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों अगर आप मुझसे पूछो कि मेरी पसंद इनमें से कौन सी है, तो दोस्तों मैं जाना चाहूँगा जिस कंपनी के पास एक स्ट्रॉन्ग मोट है, और दोस्तों ये स्ट्रॉन्ग मोट मुझे एशियन पेंट और बर्जर पेंट के पास दिखता है। तो मेरी पसंद होगी एशियन पेंट या फिर बर्जर पेंट। आपकी कौन सी पसंद है आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। तो दोस्तों अब मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, जय हिंद।